रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलहदिल्लि कफ़ा सलाम इबाद हिलस्तफ़ा आबाद मोहतरम नाजरीन कराम आज आसान कुरान में पाँचवें पारे का चौदहवा रुकू है जिसके अंदर तीन आयतें निसा सुर नंबर चार में आयत नंबर एक सौ तेरह से आयत नंबर एक सौ पंद्रह तक अज़बीम शीतान बसमिल्रम वलोलफल आल्वर तुम्लुख़

और आपको वो कुछ सिखाया है जो आप नहीं जानते थे और आप पर अल्लाह का फजल बहुत ज्यादा है नग़ीमा लोगों की खुफिया सरगोशियों में अक्सर बेशर कोई भलाई नहीं होती हाँ उसकी बात अच्छी है जो सदक़े का या नेक बातों का या लोगों के दरम्यान सुलह कराने का हुक्म दे और जो कोई अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए ऐसा करे तो करक्रीब हम उसे बहुत बड़े अजर से नवाजेंगे ममै शाख़िर रसूल मातबल वय तब गैर रसवील मातवल्ला जहन्नम वसात मसीरा और जिस शख्स के सामने हिदायत वाज हो जाए और वह उसके बाद रसूल की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा और रास्ते की पैरवी करे तो हम उसे उसी तरफ फेर देंगे जिस तरफ वह फिरता है और आखिर हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे और वो बहुत बुरी लौटने की जगह है नाजरिनकराम आसान दरसे कुरान में आज पाँचवें पारे के अंदर रुकू नंबर चौदह है जिसके अंदर तीन आयतें हैं आयत नंबर एक सौ तेरह से आयत नंबर एक सौ पंद्रह तक आयत नंबर एक सौ तेरह पर गौर कीजिए वो का मालम तकन तालम अल्ला ने आपको सिखलाया है जो चीज़ आप नहीं जानते थे इसे ये पता चला कि नबी सल्ला वम आलमिल्गैब नहीं है इसे ये पता चला जिनके पास ग़ैब का इलम है उनको सिखाने की ज़रूरत क्या है हर चीज़ का इल्म अल्लाह ताला ताला के पास है और अल्लाह ने नबियों को जो कुछ दिया है वो अल्लाह की तरफ से जिसको मुजज़ा कहा जाता है अब उसके बाद ये तस्करा हो रहा है कि भलाई का काम करना लोगों के दरमियान सुलह करा देना ये सबसे अहम चीज़ है और इस्लाम बन नन्नास एक हदीस के अंदर आया सुन नबी दाऊद किताबुल अदब किताब नंबर चालीस हदीस नंबर फोर नाइन वन नाइन अला उखबरकुम्ब अफजलिंदर जत सिया वसला वसदा बला या रसूल अल्लाह खाल बैन व फसाद बैन अल हालिका क्या मैं तुम लोगों को नमाज से रोज़े से और औसतों खैरात से बेहतर चीज़ ना बतला दूँ कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहा इस ज़ातिल बैन आपस में सुलह करा दो क्योंकि तो आपस का लड़ना झगड़ना दीन को मूढ़ देता है तो लोगों के दरमियान सुलह सफाई करने के लिए पेश पेश रही आजकल क्या होता है दो आदमी लड़ रहे हैं और तीसरा वीडियोग्राफी बना रहा है सही है क्या जी नहीं सुलह सफाई करा दीजिए मिला दीजिए आजकल लोग लड़ाने वाले बहुत हैं लेकिन छुड़ाने वाले नहीं मिलते फिर आगे आयत नंबर 115 में कहा गया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करते हैं उनकी बात नहीं मानते उनके तरीके पर नहीं चलते तो उनका ठिकाना कहाँ है उनका ठिकाना जहन्नम है तो नाजरीन कराम आज के दस में बस इतना ही अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ती हम लोगों को कुरने करीम पर और हदीस पर चलने की तोफ़ी दामीन वालेक वरह व